हे गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक। सो आज अपन फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन सॉर्ड एंड शील्ड। एंड जैसे कि आप सबको पता है गाइस, आज अपन अपने सेवेंथ बैच के लिए चैलेंज करने वाले यहाँ के जिम लीडर को। सो चलते हैं एंड करते हैं चैलेंज। ओके तो गाइस यार, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला, आज अपन यहाँ की जो जिम लीडर है उसके साथ अपन आज चैलेंज करेंगे एंड आज अपन अपना सेवन बैच हासिल कर लेंगे। तो फिलहाल तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने जो पोकेमोन है सिक्स, उन्हें सबसे पहले हील कर लूँ फटाफट से। एंड यहाँ पे जो टीम एल के बंदे दिख रहे हैं उनके साथ मैं फटाफट से बातचीत कर लेता हूँ। यहाँ की जो जिम लीडर है वो टीम एल की शायद से बंदी है, मतलब कि टीम एल की जो बंदी है वही है यहाँ की जिम लीडर। एंड पोकेमोन गो थ्रू डिफर्स फ्रॉम स्पीसीज ऑफ टुगेदर। ओके सो अभी यहाँ से चलते आगे एंड लेट्स टॉक दैट गर्ल बॉय, सॉरी गर्ल बोल रहा हूँ मैं। इट इज़ अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन फेम, अट्रैक्ट्स टीम रॉकेट। सो ओके तो गाइस यार, मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी मैं अपने पोकेमोन के साथ थोड़ी सी अदला बदली करूँ। मीन्स कि ना, अभी मैं जो अपना सिंटिक्स है उसे मैं डिपॉजिट करने की सोच रहा हूँ। बिकॉज आज ना अभी तक मेरे टीम के अंदर एक भी वाटर टाइप पोकेमोन नहीं रहा है। सो मैं सोच रहा हूँ एक वाटर टाइप पोकेमोन को अपने पार्टी में ऐड करूँ। एंड वो वाटर टाइप पोकेमोन न्यू है, अभी न्यू अपडेट में आया है। वो पोकेमोन है जैगनटाइप मैक्स किंगलर। मैं किंगलर को कभी यूज़ नहीं करा, किंगलर को कभी मैंने यूज़ नहीं करा है। सो मैं आज किंगलर को यूज़ करूँगा। वो भी मतलब कि किंगलर को यूज़ करा है बट मैंने उसका जैगनटाइप मैक्स फॉर्म को कभी यूज़ नहीं करा है। तो आज मैं जैगन मैक्स फॉर्म किंगलर को यूज करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस एक मिनट, जो अपना किंगलर है उसे मैं फ्रंट पे रख लूँ। बिकॉज क्या, आज अपने फ्रंट लाइन पे रहेगा किंगलर एंड बैक में रहेगा कॉपर राजा। बिकॉज आज मैं किंगलर मेन है, बिकॉज आज किंगलर को आज यूज करना है। कॉपर राजा को, ग्रिम्सनाल को एंड ड्रैगापोल को अपने लास्ट टाइम में बहुत यूज करा था। सो आज मैं सोच रहा हूँ किंगलर को यूज करूँ। एंड किंगलर को मैं सबसे पहले ना फटाफट से जो विशिंग स्टार है वो पकड़ा देता हूँ। बिकॉज विशिंग स्टार से अपने किंगलर के पास एबिलिटी आ जाएगी कि वो फटाफट से जैगंटा मैक्स हो सके एंड अपने लिए काफ़ी सही सीन हो जाएगा। ओके तो गाइस यार, अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि अपने किंगलर को एक न्यू मूव सिखा दी जाए। सो याम टू विच पोकेमोन नीड्स योर ट्यूटरिंग। सो मैं किंगलर को सिखाना चाहता हूँ कोई अच्छी मूव। सॉरी, इट डजेंट अपेयर एज आई हैव अ मूव आई कैन टीच दैट पोकेमोन। ओके तो गाइस, ये जो ट्यूटर है उसके पास किंगलर के लिए कोई मूव नहीं है। तो ये ट्यूटर आपने कुछ काम का नहीं है, क्योंकि बिकॉज किंगलर के पास अभी कोई अच्छी मूव है या नहीं मुझे पता नहीं है। मैं अभी फटाफट से जो किंगलर है उसे मैं अभी ना उसे अपने पार्टी में ऐड कराऊँ एंड उसे इवॉल्व कराऊँ। मैं बस थोड़ा सा लेवल अप कर दिया कुछ 58 पे। अपन को कुछ 38 टू 40 लेवल पे मिलता है हैमरलॉक सिटी के आसपास वाले जंगली पहाड़ी इलाकों में। लेकिन उससे पहले मैं देखूँ मूव्स कौन कौन से है। तो यहाँ पे है मड शॉट है, उसके बाद में मेटल क्लॉम, मैक्स गिस्चर एंड मैजिकल कोट। काफ़ी सही, सो अच्छे खासे मूव तो है। तो अभी अपने जो किंगलर है उसको यूज़ करते हैं एंड आगे जो भी बैटल्स आएंगे, मतलब कि ट्रेनर्स आएंगे, उसके बाद में अपने जिम लीडर के साथ चैलेंज करने वाले, सबको अपना किंगलर ही हराएगा। सो लेट्स सी। एंड अभी मैं बोल दूंगा जो अपना किंगलर है, अभी फिलहाल तो जैगंटा मैक्स नहीं हो सकता बिकॉज उसका ये फर्स्ट मैच है। सो अपना किंगलर जो है अभी तो मैं कई बॉल नहीं हो सकता, बट एक बार मैं इस ट्रेनर को हरा दूँ एंड उसके बाद मैं अपना जो किंगलर है अरे इजी तरीके से जैगंटा मैक्स हो सकता है। सो अभी मैंने मैक्स गिस्चर यूज़ करा है। तो इसी के साथ में जो लियोनी था वो बहुत ईजी तरीके से फेंट हो चुका है, दैट वॉज वेरी ऑसम। सो या अपने पोकेमोन में अच्छी खासी एक्सपी गेन कर रहे हैं, मतलब कि लास्ट टाइम, मतलब कि ना अपन जब रूट 9 से बाहर निकले सिर सिस्टर सिटी से एंड जब भी अपने वाटर से जब ट्रैवल कर रहा है एंड उसके बाद में जो भी पोकेमोन आ रहे, जो भी ट्रेनर आ रहे, आप उनके साथ बैटल कर रहे हैं ना, तो अपने को जो मनी है बहुत तगड़ा मिल रहा है। एंड उसी के साथ में अपना एक्सपीरियंस पॉइंट 500 से नीचे कम होता ही नहीं है। जैसे कि अपने लास्ट टाइम मरीनी को हराया था, उसका भी कुफ मतलब कि उसने तो 1 एक्सपी दी थी, लेकिन बाकी सब जो ट्रेनर थे उनके साथ अपन ने बैटल करी थी, उन्होंने तो अपन को काफ़ी अच्छी खासी एक्सपी दी थी। सो यहाँ पे जैसे आप देख लो, यहाँ पे अपन को पोकेमोन 4756 मिली, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा है पोकेमोन गेम्स के अंदर पे। सो या अभी इस बंदे के साथ भी बैटल करते हैं। व्हाट आर यू वंडरिंग हियर फॉर? ओके तो शायद से मुझे इस, मतलब कि ये जो गेम है, मतलब कि इसके अंदर तो सब अपन को पोर्टुगीज लैंग्वेज ही देखने के लिए मिली है, बट अभी इस रूट के ऊपर, मतलब कि इस रूट का नाम तो मुझे पता नहीं क्या है, इस सिटी का नाम क्या है, बट यहाँ पे जो भी बंदा मिल रहा है अभी तक तो उसने सब इंग्लिश में बात की है। लेट्स सी आगे अगर कोई और बंदा है जो इंग्लिश में बात करता है या फिर अपनी जो जिम लीडर है वो मेन इंग्लिश में बात करे तो अपने लिए काफ़ी सही हो जाएगा। बिकॉज
अगर इंग्लिश में वो बात करेंगे ना तो आप उनको पता चल जाएगा और वो बात के करते आप उनको कौन से सिटी में जाना है। मैं बस अंधाधुंधी चलता रहता हूँ चलता रहता हूँ, एंड अभी तक मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला है। सो उस पर तो अभी तक मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ, लेकिन कोई नहीं गाइस, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज़्यादा मिल गए, 805 जो काफ़ी सही है। अगर अपना पोकेमॉन अगर लेवल 3 या 4 पे हो ना तो वो फटाफट से लेवल 10 तक ग्रो जाएगा, अगर अपन को 805 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता रहता है तो। एंड या शायद से अपन यहाँ से नहीं, अपन यहाँ से घूम के जा सकते वहाँ पे, बट मुझे अभी वहाँ पे जाना नहीं है। सो अपन ये जो टीम एल की बंदी है उसके साथ भी बैटल कर लेते हैं, एंड शायद से आगे कोई ट्रेनर ना मिले तो अपने लिए काफ़ी सही सीन हो जाएगा, बिकॉज मैं डायरेक्टली बैटल करना चाहता हूँ यहाँ की जो जिम लीडर उसके पास। एंड ऑब्वियसली बात है गाइस, उसके पास ना जिगंटामैक्स कोई ना कोई पोकेमॉन होगा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं उसके पास कौन सा पोकेमॉन है। देखते उसके पास कोई अच्छा पोकेमॉन हो तो अपन उसके साथ बैटल करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं इसके ऊपर अभी मेटल ट्रॉ यूज करता हूँ, वो भी अपने जिगंटामैक्स गिंगलर का। जिगंटामैक्स गिंगलर इज रिएक्टिंग टू आकाश मेगा पल्सेरा, यार मतलब कि जो मेगा पल्सेरा वर्ड है वो न्यू आया है। अपन जब बीटा 6.0 खेले थे, मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था, उसके अंदर कुछ अलग ही वर्ड आता था, मतलब कि विशिंग स्टार इज रिएक्टिंग टू आकाश मेगा बैंड मेगा बॉन्ड करके आता था, बट अभी मेगा पल्सेरा आता है। सो वो न्यू अपडेट में आपने 7.0 अपडेट में चेंज करा गया है, बाकी सब तो सेम है, बट यहाँ पे दो सिंबल भी न्यू आने लगे, वो काफ़ी सही है। वरना बाकी अपन एक टाइम से ना लास्ट मतलब कि लास्ट अपडेट में अपन 6.0 अपडेट में मतलब कि ना अपन एक टाइप से ना मेगा इवॉल्व ही करते थे एक टाइप से, लेकिन अभी यहाँ पे मूव चेंज करी गई है, जिगंटामैक्स एंड मेगा इवॉल्व का सिंबल दोनों अलग अलग दिखाने लगे, वो काफ़ी सही सीन है। एंड यार गाइस आप लोग क्या हो यार, मतलब कि बहुत सही, आप लोग ने मुझे इस हफ्ते से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, सो थैंक यू वेरी मच गाइस। ऐसे आप सपोर्ट करते रहो, मैं रोज़ अपनी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट रेगुलर नहीं हो पाती गाइस, बिकॉज ना मेरा पीसी हो चुका है डाउन, एंड मोबाइल से रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो उस वजह से मैं अपना जो गेम्स है वो वन डे अल्टरनेट डे पे आ रही है, एंड जैसे मेरा पीसी रिपेयर हो जाता है तो अपनी वीडियो जैसे पहले आती थी रेगुलर वैसी आ जाएगी। एंड मैं सोच रहा हूँ सॉर्ड एंड शील्ड को मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर दूँ, बिकॉज अपन बहुत टाइम से सॉर्ड एंड शील्ड कर रहे हैं, कुछ 3 to 4 months हो गए यार, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज इसके अपडेट न्यू आते रहते हैं, एंड फिर से स्टार्टिंग से खेलो फिर से यहाँ पे आओ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो उस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अपनी वीडियो को मैं 7.0 अपडेट को फटाफट से कंप्लीट करूं, एंड मुझे लगता नहीं है इसका आगे का अपडेट है, क्योंकि 7.0 में अपने अगर दो जिम कवर हो गए तो बचते हैं एलाइट 4, सो उनके साथ भी जब अपन बैटल करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, कोई बात नहीं है। एंड मुझे लगता है 7.0 अपडेट में आया हो तो काफ़ी सही, एंड 8.0 अपडेट का मैं अगर आया तो मैं खेलने वाला भी नहीं हूँ, बिकॉज यार मतलब कि स्टार्टिंग से खेलो, वो भी मैं 7.0 अपडेट को 3 times खेल चुका हूँ, 3 to 2 times, पीसी में मैं 2 times खेला, उसके बाद में मोबाइल में भी शायद से अभी मैं 1 time खेल रहा हूँ। सो उस वजह से यार स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट करना पड़ जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ इस सॉर्ड एंड शील्ड को फटाफट से कंप्लीट करूँ। एंड आप लोग बताओ कौन सा न्यू गेम लाया जाए, अभी तो फिलहाल मैंने एक न्यू गेम स्टार्ट करा है पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड, वो भी काफ़ी सही गेम है। सो या मेटल क्लॉ यूज़ करते हैं ड्रैपियन के ऊपर, एंड इस ड्रैपियन को फेंड कर देते हैं, तो कैसे ड्रैपियन जो पोकेमॉन है पॉइजन पोकेमॉन है, एंड उसकी जो मूव्स है वो काफ़ी सही है, बट ड्रैपियन जो है ना गाइस किसी को पसंद इसलिए नहीं आता, बिकॉज ड्रैपियन जो है ना वो अभी तक जो भी जो गंदे गंदे कम जो ग्रंट्स होते गंदे गंदे काम करते टीम रॉकेट या फिर आप XY में देख लो, उसके अंदर जो ग्रंट्स थे उनके पास ही ड्रॉपियन जैसे पोकेमॉन मिलते हैं, एंड उनके पास ही सही लगते हैं यार, मतलब कि अगर हैश के पास ड्रॉपियन हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ड्रॉपियन की जो पावर है मैंने यूज़ करा है ड्रॉपियन को इसी गेम के अंदर सॉर्ड एंड शील्ड में, वो काफ़ी सही पोकेमॉन है, बट वो उससे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, सो क्योंकि वो ग्रंट्स के पास होता है, लेकिन उसकी भी HP जो उसकी पावर है वो भी काफ़ी सही है, पॉइजन अटैक जिसका वो भी काफ़ी सही है। एंड या गाइस अभी फाइनली अपन आ चुके हैं जिम लीडर के पास में, लेकिन सबसे पहले मुझे ना अपने पोकेमॉन को फटाफट से मैं हील कर लूँ, एंड प्रोटीन एक बार मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने पोकेमॉन, नहीं प्रोटीन नहीं यूज़ करता। सो या मेरा गिंगलर जो है उसकी हेल्थ थोड़ी सी कम हो चुकी है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि उसका जो नहीं यार मैं कुछ करूँ, सोच तो रहा हूँ कि मैं अपने ग्रिमस्टार को वापस से मैं बना लूँ, बट एक बार मुझे अभी ना किंगलर को यूज़ भी करना है, किंगलर को भी, एंड नहीं यार किंगलर के ऊपर रखता हूँ मैं, ग्रिमस्नाल के ऊपर नहीं रखता, बिकॉज आज मैं किंगलर को यूज़ कर रहा हूँ तो आज किंगलर ही अपना मेन पोकेमॉन है, अगर हारते हो तो भी कोई बात नहीं अपन इसको हरा देंगे, बट आज किंगलर ही मेरा जिगंटामैक्स फॉर्म लेगा एंड ग्रिमस्नाल नहीं लेगा, कोई बात नहीं है, इस बार ग्रिमस्नाल को थोड़ा ब्रेक देते हैं, नेक्स्ट टाइम से ग्रिमस्नाल को मैं मेगा इवॉल्व करूँगा। एंड या गाइस आप लोग बताओ मुझे क्या ख्याल है, अपने चैरिजार्ड को जिगंटामैक्स करा जाए, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं
जैगेंटामैक्स चैरिज़ार्ड को करूँगा। इफ आज की वीडियो में तो आपने जैगेंटामैक्स किंगलर ही होने वाला है 101%, बिकॉज आज मैं किंगलर को यूज़ करने वाला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताओ मैं जैगेंटामैक्स चैरिज़ार्ड को करूँ तो चैरिज़ार्ड को कर दूंगा, कोई बात नहीं है। एंड ये जो बोलते हो मुझे कुछ समझ में तो नहीं आता, तो भी एक बार देख लूँ मैं। सो या अभी कर लेते गाइस इसके साथ बैटल पे। एंड ये काफ़ी चेंजेस करा गया है, मतलब कि लास्ट टाइम ऐसे वो नहीं आता था ना बैटल सीन, अभी आ रहा है। एंड ये म्यूज़िक थोड़ा सा अलग ही है यार, मतलब कि इसे चेंज करा गया है। एंड या यार मतलब कि स्क्रैफिटी गाइस यार लास्ट टाइम इसने तो मुझे बहुत तंग करा था, लेट्स सी आज तंग करता है या नहीं। सबसे पहले तो मैं इसको मैक्स गिस्टर से फेंड कर दूँ। एंड मैं किंगलर को अभी इवॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं अभी किंगलर को इवॉल्व करता हूँ तो अगर मैं कोई पोकेमॉन को चेंज नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं फिर से किंगलर को की कोशिश करता हूँ तो अपना किंगलर जैगेंटामैक्स नहीं हो सकता। सो फिर से मेटल क्लॉ यूज करता हूँ मैं स्क्रैफिटी के ऊपर। एंड इसका फेंट तो हो जाना चाहिए, बट वो 1 XP पे है। कोई नहीं 1 XP पे है, बस अभी ये सुपर पोशन यूज ना करे तो अपने लिए काफी सही हो जाएगा। एंड मेटल क्लॉ ओके, सो मुझे लगा ही था यार, मतलब कि स्क्रैफिटी मुझे लास्ट टाइम से बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। तो आगे नेक्स्ट टाइम से अगर मेरे को स्क्रैफिटी मिलता है ना तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले ना मेन अटैक करूंगा एंड इसके बाद मैं स्क्रैफिटी को पूरा किस्सा ख़त्म कर दूंगा। बिकॉज स्क्रैफिटी जो है ना लास्ट टाइम से मुझे बहुत तंग करा जा रहा है। एंड लास्ट टाइम मराई ने जो आई थी उसके साथ बैटल करा था, उसका स्क्रैफिटी ने भी मुझे बहुत तंग करा था। एंड इस बार पायरी का स्क्रैफिटी जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा है। एंड या बस अपना जो किंगलर है वो फेंड ना हो कन्फ्यूजन के वजह से। सो या इस बार मैं सोच रहा हूँ इसको फटाफट से फेंड करूँ अपने मैक्स गिस्टर के साथ में। चलो कोई नहीं, मैक्स गिस्टर यूज़ कर लेते हैं, नहीं मैजिक कोट यूज़ करता हूँ सबसे पहले, बिकॉज मैजिक कोट यूज़ करूँगा तो उसका स्कैरी अटैक से आपने जो है थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए यार। ओके मैं जैसे सोचा था राइट अच्छा हुआ मैंने ना मैजिक कोट को यूज़ करा, बिकॉज इससे ना थोड़ी सी स्पीड कम हुई है स्क्रैफिटी की। बट अपन अभी मैक्स गिस्टर को यूज़ कर लेते हैं। सो अभी इसी के साथ में जो स्क्रैफिटी वो फेंट हो गया है काफ़ी सही, मतलब मैं जो सोचा था वो हो गया। बिकॉज अगर लास्ट टाइम अगर मैं यूज़ करता तो अपना थोड़ा चांसेस थे कि वो बच जाए एंड उसकी हेल्थ भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो उस वजह से मैं मैजिक कोट का यूज़ कर रहा था। लेकिन फिलहाल तो कैसे अभी मैं अपने किसको निकालूँ, मैं सोच रहा हूँ ड्रैगोपोल्ट को निकालूँ। एंड आप लोग बताओ ड्रैगोपोल्ट का जैगेंटामैक्स फॉर्म आपने यूज़ करा है या नहीं, आप कमेंट में मुझे बता दो। तो या अब्स्टोगॉन के ऊपर मैं ड्रैगन पल्स यूज़ कर लेता हूँ। अब्स्टोगॉन के ऊपर बहुत इफेक्टिव तो होना चाहिए। एंड या इट्स वॉज वेरी इफेक्टिव, उसकी HP कुछ 2 या 5 के बीच में है। सो अपन फिर से गाइस इसके ऊपर अभी नहीं स्ट्रगल बग यूज़ करता, नहीं बाइट यूज़ करता हूँ। सो इसी बाइट से कितना फ़र्क पड़ता है, बट हर बार का है अगर मैं कोई मूव छोटी यूज़ करता हूँ ना हाइपर पोशन यूज़ कर लेते यार। सो कोई नहीं, इस बार मैं तो उससे बदला ज़रूर लूँगा। सो इस बार मैं सोच रहा हूँ टेक डाउन यूज़ करूँ, अपने को थोड़ा डैमेज पड़ेगा बट ऑब्स्टोगन फेंट हो जाना चाहिए। बट ओके नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सो अभी इट्स सुपर इफेक्टिव, लेकिन इसके ऊपर अभी मैं स्ट्रगल बग यूज़ करता हूँ। एंड ये एनिमेशन काफ़ी सही थे। सो या इसी के साथ में जो अब्स्टोगॉन था वो बड़े इजी तरीके से फेंट हो चुका है। इट इज़ अ सुपर इफेक्टिव अटैक था यार, सुपर इफेक्टिव मूव थी। सो यार ड्रैगापोल्ट ने तो इससे अपने अब्स्टोगॉन था उसे फेंट कर दिया है। सो अभी आपकी अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की बारी, तो अभी मैं निकालने वाला हूँ ग्रिमस्नार्ल को। लास्ट टाइम से मैं ग्रिमस्नार्ल का बहुत यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज ग्रिमस्नार्ल मेरे दिल में बस गया है 6.0 अपडेट से। एंड या अम्ब्रियन, सो अम्ब्रियन के ऊपर मैं हमर आर्म यूज़ करता हूँ सबसे पहले, तो हमर आर्म, बिकॉज अगर मैं हमर आर्म यूज़ करता हूँ तो अम्ब्रियन अपने वन शॉट में फेंट हो जाने वाला है। अगर अपना ग्रिमस्नार्ल जैगेंटामैक्स नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आपने वन शॉट के अंदर जो अम्ब्रियन था वो फेंट हो चुका है। जैसे मैं बोला हमर आर्म काफ़ी सही अटैक है यार, मतलब कि मेरा फेवरेट अटैक है ग्रिमस्नार्ल से, वो भी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है यार। सही में अपना जो ग्रिमस्नार्ल है फाइटिंग टाइप है एंड ऊपर से कुछ फेरी टाइप भी है, वो काफ़ी सही है। सो या अभी मैं ड्रैपियन आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ ड्रैपियन के अगेंस्ट में अपने फिर से मैं पिकाचू को निकालूँ या फिर सिंड्रेस को, नहीं पिकाचू को निकालता हूँ, बिकॉज सिंड्रेस को अपने स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं। एंड पिकाचू को जब जैगेंटामैक्स मिला था मैं ज़्यादा यूज़ करा भी नहीं हूँ, बस उसे थोड़ा बहुत लेवल अप करने तक यूज़ करा है। सो इसके ऊपर अभी मैं मैक्स लाइटनिंग यूज़ कर लेता हूँ। ड्रैपियन इसके साथ में फेंट नहीं होगा शायद से, नहीं होगा। एंड या उसने अपनी खुद से खुद की हेल्थ गला दी, वो काफ़ी सही। सो ऑल राइट ड्रैपियन अभी मूव नहीं कर सकता, बट अपना मूव क्यों नहीं लगा उसे, लेकिन कोई नहीं यार, नहीं यार हर बार कोई ना कोई पहले फुल हील यूज़ कर लेता है, बट फुल हील का इफेक्ट क्यों नहीं था इतना ज़्यादा। सो इसी के साथ में जो ड्रैपियन था
वो फेंट हो चुका नहीं है, मुझे लगा फेंट होने वाला है, कोई नहीं। सो इस बार अपन थंडर यूज़ कर लेते हैं बिकॉज थंडर बहुत इफेक्टिव है ड्रैपियन के अगेंस्ट पे। एंड या इसी के साथ में ड्रैपियन जो है फेंट हो चुका है, एंड अभी बारी आती है अपने जैगंटामैक्स किंगलर को बाहर निकालने की, बिकॉज अभी उसके पास भी कोई ना कोई जैगंटामैक्स पोकेमॉन हो सकते हैं। एंड अपना ड्रैगापोल्ट न्यू मूव सीख रहा है ड्रैगन रिच, एंड फिलहाल तो मेरे ड्रैगापोल्ट के पास खूब अच्छे अच्छे मूव्स है, सो मैं नहीं सिखाने वाला ड्रैगन रिच। जब अपने ट्यूटर अपन नेक्स्ट सिटी में जाएंगे तो मैं ट्यूटर से सिखा दूंगा, फिलहाल तो मुझे ड्रैगन रिच की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज जो आगे का काम करने वाला है वो करने वाला है अपना जैगंटामैक्स किंगलर। सो या नहीं हरा दिया क्या अपने, वो बिना किसी जैगंटामैक्स करे हरा दिया, मेरे को लगा कि उसके पास अभी एक और पोकेमॉन है, बट यार सही में अपन को इसी के स्टार्ट में गाइस अपन को डार्क बैच मिलता है काफ़ी सही। मुझे लगा गाइस कि अपन उसके पास एक पोकेमॉन और है, सो मैं उसके साथ अभी जैगंटामैक्स किंगलर को बाहर निकालने वाला था एंड उसे मैं जैगंटामैक्स करने वाला था, बट कोई नहीं गाइस अपन ने इसको हरा दिया है एंड अपना एक भी पोकेमॉन में फेंट हुआ, ये अपना एसिड है, सो वो काफ़ी सही। इसी के साथ में अपन ने इस जो जिम लीडर है उसे हरा दिया बहुत ईजिली। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत भाषण चल रहा है बट क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो या एक बार रीड करने की ट्राई करता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे आकाश नाम समझ में जाता है। एंड या सो या गाइस यार मैंने यहाँ की जो जिम लीडर है उसे हरा दिया है, सो एक मिनट में एक बार पोकेमॉन सेंटर में जाता हूँ, अपने सारे के सारे पोकेमॉन को हील करता हूँ एंड एक बार इस सिटी का फिर से मैं चक्कर मारता हूँ, बिकॉज कि मुझे देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे कितने सारे पोकेमॉन विकेमॉन बचे या फिर ट्रेनर्स बचे, सबके साथ बैटल करके जाएंगे अपन आज। सो लेट्स सी यहाँ पे कितने ट्रेनर बचे हैं, एंड मुझे उसके पीछे भी चेक करना था जहाँ पे जिम लीडर थी उसके पीछे भी चेक करना था, वहाँ पे शायद से रूट थी या नहीं, एक बार मैं चेक करूँ तभी अपन आगे चलते हैं। अपन को यहाँ से घूम के जाना है ना, या मैं घूम के जाना है बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद जाते हैं, बस एक बार मैं सिटी को पूरा एक्सप्लोर करूँ, बिकॉज अपन यहाँ पे आया तो सिर्फ जिम लीडर से बैटल ही करें, अपन इस सिटी को पूरा देखा तो नहीं है। एंड ओके सो यहाँ पे आगे जाने का रूट नहीं है शायद से, ये रही जिम लीडर एंड वो अपने से अभी कोई बात भी नहीं करी, कोई बात नहीं अपन को इसने जीए मीटिंग दिया है काफ़ी सही। सो ओके तो मुझे लगा यहाँ पे आगे जाने का रूट है, अपन यहाँ से घूम के जा सकते हैं, बट नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी चलते गाइस उस क्रोविनाइट के पास यानी कि टैक्सी के पास, अपनी सॉरेन शील्ड की टैक्सी है वो क्रोविनाइट, सो एक बार उसके ऊपर चलते हैं एंड लेट्स सी। मुझे लगता है हैमरलॉक सिटी से ही अपन को हर रूट मिलता है, तो मैं सोच रहा हूँ हैमरलॉक सिटी चलूँ एंड लेट्स सी क्या सीन है वगैरह वहाँ पे। सो या अपन तो अभी इस टैक्सी के अंदर आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, सो टैक्सी को थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा एंड उसे थोड़ी सी लोकेशन देनी पड़ेगी, पैसा देना नहीं है बट या सो ओके। सो यह अपन बैरोली आया है, सो इसके नेक्स्ट वाला मतलब कि स्टोन साइड के नेक्स्ट वाला जो होएगा वहाँ पे अपन को जाना है। सो या गाइस अपन अभी हैमरलॉक सिटी में आ चुके हैं, हैमरलॉक सिटी में, सो लेट्स सी यहाँ पे अपन को आगे कहाँ जाना है, बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपनी गेम को स्टॉप करा जाए बिकॉज कि आगे का जो रूट है मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, गेम को खेलना पड़ेगा। सो मैं सोच रहा हूँ गाइस आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले गाइस यार आप ये देख लो अपन को यहाँ पे अपना सिक्स एंड सेवन्थ बैच मिल चुका है, सिक्स बैच जो अपन को ऑलरेडी मिल चुका था बट यहाँ पे अपन को अपना सेवन्थ बैच यानी कि डार्क बैच मिल चुका है, तो काफ़ी सही गाइस यार अपन ने पाइट्स को हरा दिया बहुत इजीली एंड अपन ने अपना जो सेवन्थ बैच था अपन को मिल गया। तो गाइस डेट्स फॉर टुडे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड हाँ गाइस यार चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं एंड आप लोग ना गाइस वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो गाइस यार वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो मैं फिर से बोलता हूँ गाइस लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।